वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों बाद हमारी ये क्लास हो रही है. आज की हमारी क्लास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे है. हम सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक है. जो इंजीनियरिंग करते हैं या जो सिविल इंजीनियरिंग में है या वट एवर द ब्रांच वी चूज आगे जाके, तो हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन बहुत बहुत जगह पे है. आप मुझे वीडियो में देख पा रहे हो, हम इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, ठीक है. आपको पता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये जो होता है ये साइन वेव के थ्रू होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री है. बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. तो आज का हमारा ये जो चैप्टर है इसका नाम ही है जी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. हमारी जो आपको पता है हमारे पुराने ज़माने में या बहुत पहले बिना टेलीस्कोप के हम लोगों ने बता दिया था कि सन का अर्थ से डिस्टेंस कितना है, अर्थ सन के कितने टाइम में चक्कर लगाता है, अर्थ अपनी एक्सिस पे कितने टाइम में रोटेशन करता है, ठीक है. तो ये सब बातें हमने विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताई थी. हमारे आर्यभट्ट साहब ने इस बात के लिए ज्योतिपत्ति गणिता को इन्वेंट किया था जी. ज़्यादा बातें करते हुए नहीं है ना, बिकॉज किसी ने बोला है कि यार बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, तो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, ठीक है. पहली पज़ल है आज की. सबसे पहली हमारी ये पज़ल है, इस पज़ल को आप ध्यान से देख लीजिए. मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सभी बच्चे कैसे हैं? वेरी गुड इवनिंग आप सभी को. ऋषभ, राघव, हाँ जी. ये एक पज़ल है. इस पज़ल को मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ. इन्फोसिस एक कंपनी है, उसकी उसमें भी कभी कभी इंटरव्यू में ये वाली पज़ल पूछ ली जाती है, कई इंटरव्यूज़ में ये वाली पज़ल पूछ ली जाती है, ठीक है. एक बच्चा बोला शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही रहना है हमेशा, हाँ जी. ये पज़ल को ना मैं सिंपल भाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ. आपकी दो हमारी दो कैंडल्स हैं, ठीक है, और जो एक कैंडल है वो पूरी की पूरी एक घंटे में बर्न होती है, ठीक है. एक कैंडल पूरी बर्न होती है एक घंटे में, दूसरी कैंडल भी बर्न होती है, दोनों आइडेंटिकल कैंडल्स हैं, एक घंटे में बर्न होती है. उन दोनों कैंडल की मदद से हाउ कैन वी मेजर 45 मिनट्स, उन दोनों कैंडल्स की मदद से हाउ कैन वी मेजर 45 मिनट्स, ठीक है. ये हमारा आज का क्वेश्चन है. ओके, हेलो शेफाली, अविरल, राहुल, विनय जी. आज का जो हमारा टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री की एक एप्लीकेशन के ऊपर है जिसे हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है. इसको हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस. बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, 10th क्लास में इसे आप आगे भी पढ़ते हो, 11th में भी पढ़ते हो, और भी जगह इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये आता है, ठीक है. हाइट एंड डिस्टेंस नाम का, देखो यार ये ना एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को हम सिंपली अप्लाई भी कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में. अभी आपके या आप कभी बाहर जाते हो घूमने तो आपके सामने कोई भी बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई भी अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग है या ट्री है, आप किसी की भी हाइट मेजर करना चाहते हो, ट्री की, बिल्डिंग की, वट एवर, ठीक है. जल्दी से बहुत छोटी सी एप्लीकेशन देख लेते हैं इसकी, है ना, ट्रिग्नोमेट्री की. तो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप उसकी हाइट मेजर करना चाहते हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक है. हम अपने कदमों के टर्म्स में उस बिल्डिंग की हाइट मेजर कर सकते हैं. कैसे? देखो यार, जैसे कोई भी बिल्डिंग है, ट्री है, जिसकी आप हाइट मेजर करना चाहते हो, आप उसके सामने खड़े हो, आप इस तरीके से ना अपने आप को एडजस्ट करो. जैसे आप समझते हो ना कि ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, और 90 डिग्री परपेंडिकुलर. तो 90 और 0 के बीच में कहीं पे आपको 45 का एक अप्रोक्सीमेशन लेना होगा, ठीक है. 45 डिग्री क्या, 90 और 0 के बीच में, जो बिल्कुल मिड में हो, जो बिल्कुल बीच में हो, 45 डिग्री का एक अप्रोक्सीमेशन आपको लेना होगा, ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा. फिर आपको अपनी हाइट सभी को पता होगी, ठीक है, आप जितनी भी हाइट के हैं, 5 फीट, 10 इंच, 6 फीट, वट एवर यूर हाइट इज, ठीक है, मान जी, आप अपनी अपनी हाइट आपको पता है, आपको यहां तक की अपनी हाइट पता होनी चाहिए, ठीक है. मान के चलते हैं कि आपके कंधे तक की हाइट जो भी है, वट एवर, ठीक है, मैं अपनी हाइट के हिसाब से ले लेता हूँ, ठीक है, 5 फीट 2 इंच वगैरह होगी शायद, या कमी होगी, या कंधे तक हमारी जो हाइट है, ठीक है. तो आपको ऐसे 45 बनाना है उस बिल्डिंग के टॉप पे, इतना एडजस्ट करना है आपको बिल्डिंग आगे पीछे जाके, अपने आपको इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि बिल्डिंग के टॉप पे आपका क्या बन जाए, 45 डिग्री बन जाए. बिल्डिंग के टॉप पे जैसे ही आपका 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, आप उस बिल्डिंग से जितने भी कदम
आप उस बिल्डिंग से जितने भी कदम इधर आए हो, ठीक है, मान लिया x डिस्टेंस इधर आए हो, तो वही बिल्डिंग की हाइट होगी, ये वाली लेंथ होगी, उसमें आप अपनी हाइट और ऐड कर दीजिए, लाइक 5 feet कंधे तक की हाइट है ना, ये वाली हाइट और ऐड कर दीजिए, उस बिल्डिंग की ये टोटल हाइट है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज x प्लस योर कंधे तक की हाइट, ठीक है, जितनी भी आपकी हाइट है। तो आप किसी भी बिल्डिंग की या पेड़ की हाइट मेजर कर सकते हो। ये एक बहुत ही सिंपल सी रियल लाइफ एप्लीकेशन है जो हम कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपने आप को एडजस्ट करना है कि टॉप पे जैसे आप जहां पे खड़े हो सकते हैं वहां पे 60 डिग्री का एंगल आ रहा हो तो आप थोड़ा पीछे आ जाइए तो 45 हो जाएगा, 30 डिग्री का एंगल आ रहा हो तो आप थोड़ा आगे आ जाइए टॉप पे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। तो यार ये कर सकते हो आप, है ना, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। ओके चलो पढ़ाई की बातें करते हैं। अभी सभी बच्चों से यार एक और बात बोली है ना, बिकॉज ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 10 45 क्या होता है, 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 45 क्या हो जाएगा हमारा, 10 45 होता है 1, तो हाइट इक्वल टू बेस हो जाती है उस केस में, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। ओके सो हाइट एंड डिस्टेंस में हमें यार आज बहुत कुछ पढ़ना है। आप सभी से छोटी सी बात बोली, कुछ भी आगे पढ़ाने से पहले सारे के सारे बच्चों को ये करना है कि यार फर्स्ट चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर वो सभी बच्चों को पहले देख लेना है इस चैप्टर से पहले। व्हाई? बिकॉज उसमें हमने यार साइन कॉस ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है, साइन कॉस टेन थीटा और इनके वैल्यूज भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। तो ये सब आपको मैं, हाँ एक बच्चा बोला है सर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं मिला। यार देखो गरीब आदमी नहीं मिला, है ना, गरीबी आप देख सकते हो। कैन यू सी कि यार शर्ट में भी ये दो कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ना मतलब दो तरफ से पहनने वाली शर्ट है ना, तो हम गरीब लोग होते हैं ना, तो हम ऐसी शर्ट ले लेते हैं कि दोनों तरफ से काम चला सके। तो गरीबी की यार देखो है ना अथाह हो रखी है। ओके चलो काम की बात करते हैं। तो हमारी जो है आप सभी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर देख लेना है, ठीक है, सो दैट कि आप इस वाली चीज को अच्छे से समझ पाओ जो भी आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे यार एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह ये सब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पहले शुरुआत में, बिकॉज आज की क्लास में हम इसको बहुत यूज करने वाले हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन वगैरह वगैरह, ठीक है जी। सो सबसे पहले ना आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पता होनी चाहिए ना यार, हमारे जैसे हॉरिजॉन्टल, हमारे सर ने ना हमको ऐसे याद रखवाया था, हृतिक रोशन हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं ना, तो मतलब हॉरिजॉन्टल जैसे हमें बताना चाहिए, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हिंदी में समझेंगे यार ना, हमें इतनी अंग्रेजी नहीं पढ़नी, एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह हिंदी में समझते हैं। ओके हाँ यार ये सही बोल रही है यार रुपसाना जी, है ना, दिल से अमीर हैं हम तो यार, है ना, ऐसे पैसों से भी कोई अमीर होता है क्या जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है यार, क्या बात है, हाँ जी थैंक यू सो मच, है ना, ये कितने अच्छे लोग बच्चे हैं ये हमारे सारे के सारे। ओके सो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं, अभी मैं सामने देख रहा हूं तो मैं बोलूंगा मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट मतलब जहां मैं देख रहा हूं यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर मैं ऊपर देख रहा हूं तो मेरी लाइन ऑफ साइट थोड़ी ऊपर होगी, एलिवेट हो गई। अगर मैं नीचे देख रहा हूं तो लाइन ऑफ साइट थोड़ी डिप्रेस हो गई, ठीक है, नीचे देख रहा हूं जी। तो यहां पे मैथ्स टीचर नीडेड, अरे वाह यार तुमने तो सैलरी बता दी है ना, कितनी बड़ी बात है, हाँ जी। सो लाइन ऑफ साइट हमारी ये है, तो लाइन अगर मैं अपने कोई मेरे ऊपर ऑब्जेक्ट है, कोई ऊपर पेड़ है, या मैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा हूं, जैसे अभी हमें हाइट नापनी थी, ठीक है, अभी हमको हाइट नापनी थी, तो हम अगर ऊपर को देख रहे हैं, हमने क्या किया, अपने मुंडी को, अपने चेहरे को एलिवेट किया, ऊपर को देखा, ठीक है, तो कितना एलिवेट किया हमने, जैसे कुछ हमें ये ऊपर ये चीज देखनी है हमें, ठीक है, यहां पे बना लेते हैं यार, ये थोड़ा आगे हो जाएगा, तो ऊपर देखने के लिए हमने अपनी मुंडी को क्या किया, ऊपर को किया, है ना, अपनी मुंडी को ऊपर को किया, आंखों को ऊपर को किया, कितना ऊपर किया हमने, ठीक है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कोई चीज ऊपर है यार, है ना, हॉरिजॉन्टल से हमें ऊपर देखना पड़ रहा है, लाइन ऑफ साइट ऊपर है, तो कितनी ऊपर है, ठीक है, ये मेजरमेंट ऑफ रोटेशन है, ये तो इसे तो एंगल बोलते हैं, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर कोई चीज नीचे होती, मान लिया, ठीक है, कोई चीज नीचे होती और हमें नीचे को देखना पड़ रहा होता उसे, ठीक है, हमने अपनी आंखों को कितना डिप्रेस किया, ठीक है, इसको यार आगे ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, हमने अपनी मुंडी को कितना डिप्रेस किया, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके बहुत सिंपल है ना यार,
हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर को एलिवेट कर रहे हैं, कितना एलिवेट किया है ना, उसे बोल दिया एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ऊपर ऊपर को देख रहे हैं, नीचे को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, बहुत 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 सिंपल है जी। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक और बात पता है यार कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, उसे उसका प्रूफ यहां पे देख सकते हो आप, है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है यार, ठीक है, वो अल्टरनेट एंगल्स हैं यार, इक्वली होंगे यार, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, बहुत 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 सिंपल सी बात है जी। ओके तो हम आगे बढ़ते हैं यार, आज की क्लास में ना हम कुछ बातें सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले यार मैं ना एक ब्लैंक पेज लेके आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है, ब्लैंक पेज अगर हमें मिल जाता है जी। सो आज की बात, हाँ यार हर्षा बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सभी बच्चे कंसंट्रेट करें सेशन पे, ठीक है, बहुत मस्ती में हम लोग पढ़ाई करेंगे बट सभी बच्चों को कंसंट्रेट करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ना मैं यार आपको तीन केसेस बताने वाला हूँ सभी बच्चों को, ठीक है, सभी बच्चों को तीन केसेस बना, सबसे ज़्यादा यार यही यूज़ होते हैं, ठीक है, सो दैट हम अपने क्वेश्चन आराम से कर पाएं, इसलिए शुरुआत में तीन केस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको लिख लिया यार 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये तीन केसेस हम सबसे पहले जानने वाले हैं, देन वी विल गो फॉर क्वेश्चन, ठीक है, ओके। बहुत ही सिंपल सिंपल तीन केसेस है, मान लिया सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं, ठीक है। आप देखोगे 10th तक की जो हमारी मैथ्स है या जो मैथ्स हमारी लाइक आगे भी आती है, हमारी एग्जाम्स में आती है, एसएससी या और किसी एग्जाम्स में आती हैं, उनमें यार मोस्ट प्रोबेबली यही तीन केसेस घुमा फिरा के यूज होते हैं। तो आधी ट्रिक्स तो मैं आपको आज बताऊंगा, मतलब आधी मतलब आज हम सिंपल और बेसिक काम करने वाले हैं, और कल हम थोड़ी सी इसी बात को थोड़ा बड़ा चढ़ा के आपको बताएंगे, थोड़ी अच्छी बातें इसी में बताएंगे, ठीक है जी। हाँ यार इससे भी ज़्यादा मैं आपको बताने वाला हूँ यार, चिंता मत करो, इसको याद रखने की बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सभी नोट कर सकते हो, आप सभी को कॉपी पेन लेके नोट्स बना लो तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है जी। तो यार 45 डिग्री का कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, 45 डिग्री का कोई भी ट्राइंगल है, वी ऑल नो दैट, है ना, हम लोगों को कुछ बातें पता है, 10 45 कितना होता है 1, हम लोगों को पता है 10 60 डिग्री कितना होता है √3, हम लोगों को पता है 10 30 डिग्री कितना होता है, 10 30 डिग्री होता है 1/√3। तो ये तीन बातें हम सभी सभी को पता है यार, ये तीन छोटी सी बातें हम सभी को पता है, बिल्कुल पता है जी। तो अगर ये 45 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पे मान लिया कि ये हमारी h लेंथ है या x लेंथ है, तो ये भी x ही लेंथ होगी, बहुत सिंपल है, बिकॉज 10 45 1 है, और 10 45 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस, बहुत सिंपल सी बात है, आज बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल यार आराम से पढ़ेंगे बट बेसिक में भी कुछ अच्छी बातें मिलेंगी हर बच्चों को, तो ऐसे क्लास छोड़ के नहीं भागना है ना किसी ने भी जी। हाँ जी, तो ये एक्स है, ये एक्स है, अब आपको ये भी पता है पाइथागोरस से ही निकाल सकते हो, या आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की भी जरूरत नहीं है, ये √2x होगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस वाला ट्राइंगल ना यार हर बच्चे को एक ऐसे ना एकदम से ध्यान होना चाहिए, ठीक है, इससे इस चीज से आप लोग क्या कर सकते हो, इस चीज से आप लोग अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ध्यान रखवा रहा हूँ, आपको करना बिल्कुल मेथड से, व्हेन यू गो फॉर योर 10th बोर्ड एग्जाम आपको बिल्कुल मेथड फॉलो करना है, जस्ट ये हम जल्दी जल्दी इसलिए लिख रहे हैं, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ये x है तो ये भी x हो गए 45 है, आप इसे h बोलना, इसे x बोलना, देन लिखना 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तब आराम आराम से चलना, बट ऐसे है ना एग्जाम में ऐसा मत करना जो 10th के बोर्ड का एग्जाम है, बट आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं कोई भी, तो उनमें आप आराम से बिंदास अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। 30 डिग्री वाला ट्राइंगल हम एक बार ले लेते हैं, ठीक है, 30 डिग्री में यार हमें पता है 30 होगा तो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, है ना, अगर 30 डिग्री है ये छोटा है ये सॉरी ये बड़ा है, ये बड़ा होगा, है ना, इसको हिंदी में लिख देते हैं बिग, बिग बी छोटा बी, ठीक है, छोटा भाई बड़ा भाई, इसको ऐसे बोल देते हैं यार, इसको बोल देते हैं बड़ा भाई, इसको बोल देते हैं छोटा भाई, ठीक है, या यार और छोटा नाम दे देते हैं ना इसको कुछ, इसको नाम लिख देते हैं छोटू, है ना, इसको नाम लिख देते हैं बड़ू, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी बोल लो यार, ठीक है, एक बार बना लेते हैं ट्राइंगल फिर आगे देखेंगे, है ना। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल, अब 60 डिग्री अगर एंगल है तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, ठीक है ना,
एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है। ये 30 है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये 60 होगा। तो ये 60 है एंगल के सामने, बड़े एंगल के सामने साइड बड़ी, तो ये यहां पर ये बड़ू होगा और यहां पर ये छोटू होगा। ठीक है, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, है ना, ध्यान रखना इन बातों को जी। तो ये हमारा बड़ू, ये हमारा छोटू, ठीक है। ये तो यार आपकी हाइपरटेन्यूज ही है, इन एनी केस हाइपरटेन्यूज ही है, ठीक है ना, इन एनी केस दिस इज योर हाइपरटेन्यूज, ठीक है, इन एनी केस जी। अब एक दो बातें यार सभी को बता दी, एक दो बातें सभी लोगों को बता दी। सबसे पहले सभी बच्चों ने याद रखना है, इन एनी केस ये 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में यार मेनली वाली बात लागू हो रही है जो हम यहां पे लिखने जा रहे हैं, ठीक है। 30 और 60 वाले ट्रायंगल में वाली बात लागू होगी, ठीक है। तो सबसे पहली तो बात ये लिखी, हमेशा जो हाइपरटेन्यूज होगा, हमेशा जो हाइपरटेन्यूज होगा वो 2 times छोटू होगा, है ना, 2 times छोटू होगा, ये लिख लिया। हाइपरटेन्यूज हमेशा 2 times छोटू होगा, रिमेंबर दिस, है ना, हाइपरटेन्यूज हमेशा 2 times छोटू होगा, ठीक है। आप इसे देख भी सकते हो, आप इसे बड़े आराम से एनालाइज कर सकते हो, बड़े आराम से आप इसे एनालाइज कर सकते हो। कैसे, देखो ना यार, लाइक यहां पे देखें हम, साइन 30 डिग्री इज व्हाट, छोटू, 6 लिख रहा हूं मैं, है ना, खाली, अपॉन हाइपरटेन्यूज। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ, हाफ होता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ। तो यार यहां से क्या पता लग रहा है, आपका हाइपरटेन्यूज इज इक्वल टू 2 times छोटू। सिमिलरली आप इस वाले ट्रायंगल में देख सकते हो ना, ये 60 है तो ये क्या होगा, 30 होगा, है ना। यहां पर भी छोटू अपॉन हाइपरटेन्यूज विल बी साइन 30, तो यहां से भी 2 times यही आ जाएगा। तो ये फर्स्ट ये वाली बात याद रखी, और हम कई जगह यूज करेंगे इसे, हम कई जगह इसे यूज करेंगे, ठीक है। आपको जब आपका एग्जाम होगा तब तो आपको आराम से लिखना है भाई साइन 30 डिग्री वगैरह वगैरह, बट ये क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए कभी कभी हम इसका यूज कर लेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है जी। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे यार एक और बात देखिए आप लोग, यहां पे ना एक बात आप हमेशा याद रखिए, जैसे आप ना पहले प्रूफ कर लेते हैं पहले उस बात का। आप यहां पे ना देखिए, टेन थर्टी डिग्री है, तो 10-30 degree में आप लोग क्या देख रहे हैं, 10-30 degree क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब छोटू अपॉन बड़ू। तो आप देख रहे हैं कि 10-30 degree की वैल्यू होती है 1/√3। तो छोटू निकालने के लिए, या आप ऐसे बोलिए बड़ू निकालने के लिए ना, बड़ी साइड निकालने के लिए, बिग साइड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, छोटू मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री, ठीक है, यही करना पड़ रहा है। तो यार हमेशा होगा भी तो ऐसे ही ना, हमेशा होगा भी ऐसे ही कि यार रूट थ्री क्या है, रूट थ्री बड़ी क्वांटिटी है, 1.732, ठीक है। तो ये बड़ी क्वांटिटी है, तो अगर हमें बड़ा निकालना है तो छोटे को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमेशा याद रखो, हमेशा जो बड़ा है, या बड़ू बोल लो आप इसे, है ना, हमेशा जो बड़ा है वो रूट थ्री टाइम्स छोटू होगा इन दोनों ट्राइंगल्स में, रिमेंबर दिस, बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है। आप इसे बहुत बहुत सिंपल समझ रहे हैं, बट ये बहुत काम की चीज है ना। तो बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं, सर रिपीट कर दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बड़े प्यार से आराम से मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ इसे, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। पहली बात समझ में आई कि हाइपरटेन्यूज हमेशा 2 times जो छोटा होगा उसके होगा, बिकॉज यहाँ पे साइन 30 डिग्री आपने देखा, ठीक है। फर्स्ट बात का प्रूफ समझ में आया सभी बच्चों को, ठीक है, पक्का हाइपरटेन्यूज 2 times छोटू होगा, बहुत सिंपल सी बात है, सभी बच्चों को समझ में आया। सेकंड बात मैं आपको समझा रहा हूं, देखो यहां से फिर से समझते हैं इसी बात को। इस ट्राइंगल में आप देखो 10-60 degree क्या होगा, 10-60 degree देखिए इस ट्राइंगल में क्या होगा, 10-60 degree होगा हमारा बड़ू अपॉन छोटू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज, ठीक है। अभी सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अभी ऐसे लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बेस टाइम्स 10-60। वट इज द वैल्यू ऑफ 10-60 इज रूट थ्री। एक्चुअली आप क्या देख रहे हो, परपेंडिकुलर इज बड़ा, बड़ा हमेशा छोटा इंटू रूट थ्री होगा, बड़ा हमेशा छोटा इंटू रूट थ्री होगा, ठीक है। इस बात को सभी बच्चों ने ध्यान रख लेना है, ठीक है, इस बात को सभी बच्चों ने ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। तो मान के चलते हैं कि यार थोड़ा बहुत समझ में आया सभी बच्चों को, ठीक है। तो मतलब ये बता क्यों रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं, अब हर जगह हम ऐसे ही करेंगे 30-60 वाले ट्राइंगल में, 30 के सामने हमेशा छोटी साइड होगी, 60 के सामने हमेशा बड़ी साइड होगी, ये तो पक्का है ना यार,
30 के सामने हमेशा छोटी साइड होगी, 60 के सामने हमेशा बड़ी साइड होगी, ये तो पक्का है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यार यही एंगल आ रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं इसे। सो हाँ, अपोजिट ऑफ बिग एंगल इज बिग, अपोजिट ऑफ स्मॉल एंगल इज स्मॉल, ठीक है, यही तो है जी। तो बड़ा अब इसे, चलो इसे, इसी बात को ना हम इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू टू टाइम स्मॉल साइड, ठीक है, एंड बिग साइड इज ऑलवेज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स स्मॉल साइड। तो अगर यहां से स्मॉल साइड आपको निकालनी है, मतलब अगर इन केस कभी आपको छोटू निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, बड़ू अपॉन रूट थ्री, ठीक है। इन केस अगर आपको छोटू निकालना है तो हो जाएगा बड़ू अपॉन रूट थ्री, इट मीन्स वट, ठीक है, इसे याद रखना, मैं यूज करूंगा इन सब चीजों को। इट मीन्स वट, इट मीन्स अवर स्मॉल साइड विल बी बिग बाय रूट थ्री, ठीक है। वी कैन से कि कभी भी हमें स्मॉल लेंथ ऑफ साइड निकालनी है, 30 और 60 के ट्राइंगल की बात चल रही है बस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही आते हैं एग्जाम में, ये हमेशा क्या होगा, बिग बाय रूट थ्री, ओके। चलो चलो मान के चलते हैं कि यार कुछ कुछ तो पता लगा आपको, है ना। मतलब की पॉइंट क्या है हमारे, की पॉइंट है हमारे कि जब भी 30-60 डिग्री एंगल का ट्राइंगल होगा तो ये दोनों बातें होंगी ही होंगी। जब भी 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल का हमारा ट्राइंगल होगा तो ये दोनों बातें हमारी होंगी ही होंगी, ठीक है। देखो पसीने आ रहे हैं यार, ये है ना, क्या हो रहा है, गर्मी गर्मी हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एसी की हवा सही से पहुँच नहीं पा रही जी। सो है ना, एसी में पसीने आ रहे हैं। तो आप देखो, हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री के ट्राइंगल में सिर्फ, ठीक है, 45 तो हमने अलग बना दिया जी, 45 तो आप ऑन द स्पॉट कर लोगे यार, हमेशा हाइट बराबर बेस होता है, इसी से काम चला लोगे, 45 आप हमेशा ऑन द स्पॉट कर लोगे। सिर्फ 30 और 60 के ट्राइंगल में हमेशा ये वाली बात होगी, याद रखा, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज हमेशा टू टाइम्स होगा छोटू के, हमेशा, ठीक है। जैसे ये छोटू है तो इसका दुगना होगा यहाँ पे, इस वाले का दुगना होगा, और बड़ू बड़ा वाला, बड़ी वाली साइड जो कि 60 के अपोजिट है, वो हमेशा रूट थ्री टाइम्स छोटा होगा, बिकॉज रूट थ्री तो यार बड़ी चीज है ना, बड़ी क्वांटिटी है। सोचो छोटे को बड़े के इक्वल करने के लिए किसी बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, बट अभी पहले इनको देखा और इनकी हेल्प से क्वेश्चन किया, देन वी विल गो फॉर मोर शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक है। पहले इनकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम कुछ और शॉर्टकट ट्रिक्स पे जाएंगे जी। तो ये मान के चलते हैं कि हर बच्चे को समझ में आया। यार मैं यहाँ पे ना साइड में थोड़ा सा ऐसे बना भी देता हूँ, ठीक है। ये हमारा 30-60 वाला ट्रायंगल, वट एवर, 30-60 के सामने बिग, 30 के सामने स्मॉल, और ये हाइपोटेन्यूज। तो मैंने क्या क्या बोला आपको, हाइपोटेन्यूज हमेशा टू टाइम्स स्मॉल के होगा, एक बात तो ये बोली आपको, और एक बात आपको ये बोली कि बिग साइड हमेशा रूट थ्री टाइम्स स्मॉल होगी, ठीक है। यही बात हमने अभी इतने टाइम लगा दिया पढ़ने में, और तो कुछ पढ़ा नहीं हमने, ठीक है, पक्का। चलो क्वेश्चन करते हैं जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अवर फर्स्ट क्वेश्चन यार, है ना, इस साइड बना दिया यार, क्वेश्चन भी इसी साइड है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा हम टेंथ के हिसाब से भी करेंगे, बिकॉज हमें यार एग्जाम भी देना है ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल टेंथ के हिसाब से बेसिक से बता दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन सभी लोगों ने अटेम्प्ट मार के आंसर बताना है, एक बार सभी लोगों ने अटेम्प्ट मार के आंसर बताना है। जी अच्छा, जब भी हमारे सामने ना कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, जब भी हमारे सामने हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ाई करनी है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोगों को क्वेश्चन का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। संधि विच्छेद करने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट टुकड़ा, पहली बात आपने पढ़ी, और फिर उसके हिसाब से आपने डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपने फॉर्मूलेज लगाने, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो क्या करा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। धीरे धीरे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ माउंटेन, तो हमने पहले बस इतना सा पढ़ा संधि विच्छेद करके, और इसी का डायग्राम बनाना शुरू कर दिया। एक माउंटेन होगा, उसकी हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। पहला माउंटेन तो सीधा बना ले कम से कम जी। तो एक माउंटेन है, उसकी हमें हाइट निकालनी है, ठीक है। पहला ये पढ़ लिया, मान लेते हैं जो हाइट निकालनी है, तो उसकी हाइट हम हमेशा क्या मान लेते हैं, जैसे एच वगैरह कुछ भी मान लेते हैं ना, हम ऐसे ही करते हैं।
फिर क्या बोला, इफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ इट्स एट अननोन डिस्टेंस, किसी अननोन डिस्टेंस पे इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, ठीक है, ये इन्होंने बोला कि किसी अननोन डिस्टेंस पे इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, ठीक है, ऐसे बोला, कुछ भी होगा ये हमें नहीं पता। फिर बोला 10 किलोमीटर आगे जाकर, 10 किलोमीटर अगर आगे जाके इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 15 डिग्री, यही बोला इसने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली लेंथ हमारी 10 है, ठीक है, इस वाली लेंथ को हम कुछ मान सकते हैं लाइक एक्स मान सकते हैं, इस वाली लेंथ को हम एच मान सकते हैं, ठीक है। अभी हम बिल्कुल 10th वाले मेथड से करते हैं, तो सबसे पहले, हाँ माउंटेन सीधा नहीं है ना, तो सबसे पहले हम लोगों का क्वेश्चन को संधि विच्छेद करके पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमने कैसे पढ़ा कि अच्छा एक माउंटेन की हाइट निकालनी है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसी डिस्टेंस पे 30 डिग्री है, थोड़ा सा आगे जाने के बाद धीरे धीरे डायग्राम भी बनाया और नामकरण किया, मतलब वेरिएबल्स के नाम रखे, ठीक है। फिर हम देखो, अगर 10th में आपको बोर्ड में मार्क्स चाहिए तो आपको एक एक करके लिखना पड़ेगा, लेट द हाइट ऑफ द माउंटेन इज एच, ठीक है, लेट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, इसको नामकरण कर दोगे ना आप ऐसे ए बी सी डी ऐसे लिख दो इसे, डिस्टेंस ऑफ ए सी इज एक्स, ठीक है। फिर आप 10-30 डिग्री इन ऐसे आराम से लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, पूरी अंग्रेजी में आराम से, इन ट्राइंगल ए बी सी 10-30 डिग्री इज वट एच अपॉन एक्स, फ्रॉम हेयर वी कैन से एच इज एक्स इंटू 10-30 डिग्री, और 10-30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है, एच डिवाइडेड बाई एक्स इज 10-30 डिग्री। फिर आप क्या बोलोगे, इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, यहां पर यार अगर हम देखें तो ये ए सी बी हमें बोलते हैं हम इस ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ए डी बी 10-15 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, हम कैसे बोलेंगे, एच डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 10, ठीक है। तो 10-15 डिग्री की यार इन्होंने कुछ वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, 0.27। अब यहां पे x की जगह हम लिख सकते हैं h रूट थ्री, है ना, ऐसे लिख सकते हैं h रूट थ्री x की जगह, ऐसे आप बोलोगे बाई यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, 10th क्लास का जब एग्जाम होगा बोर्ड का तो आप बड़े आराम से प्यार से लिख रहे होगे सारी सारी चीजें, और यहां से आप h कैलकुलेट कर दोगे, आई थिंक 5 किलोमीटर वो आ जाना चाहिए, ठीक है गीतांश, आई थिंक 5 किलोमीटर वो आ जाना चाहिए पक्का। तो 10th क्लास में जब भी हमें क्वेश्चन आता है तो हमें बिल्कुल आराम से ऐसे इन ट्राइंगल ए बी सी एक एक करके लिखना है बड़े प्यार से, ठीक है। जो बात अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखी थी उस वाली बात को सोचो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, 30 डिग्री के सामने छोटी होगी हाइट, है ना, तो और 30 डिग्री के सामने क्या होगी, छोटी हाइट होगी, और ये एक्स क्या होगी, बड़ी होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, बड़ू अभी जो हमने सीखा था इज इक्वल टू छोटू इंटू रूट थ्री, तो ये डायरेक्टली आ जाता, हमें इतना नहीं लिखना पड़ता, ठीक है, जो बात अभी हमने सीखी थी। बट अभी मैं शुरुआत में आपको बता रहा हूं यार कि हाँ यार क्वेश्चन 10th के आपने कैसे सॉल्व करने हैं बोर्ड एग्जाम में, सो दैट कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे बड़ू छोटू मत लगाना, वहां पे मार्क्स कट जाएंगे, इससे बस आप वेरीफाई कर सकते हो कि हमने जो किया है वो सही है या नहीं है जी, ठीक है। सो दिस इज अवर, एक क्वेश्चन ले लिया सभी बच्चों से पूछा, ठीक है, ये सीबीएसई में आ चुका है 2005 में जी, ये सीबीएसई में आ चुका है 2005 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार सभी बच्चों ने थोड़ा सा ट्राई करना है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम ट्रिक से करेंगे, चलो इस वाले क्वेश्चन को हम मतलब डायरेक्टली ऐसे करेंगे कि जो अभी हमने सीखा है उसकी मदद से करते हैं, ठीक है, जो हमने सीखा है उसकी मदद से करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को यार सभी बच्चों ने ट्राई करना है, सभी बच्चों ने ट्राई करना है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो मैं वेट करता हूँ एक मिनट का टाइम दिया और सभी बच्चों ने ट्राई करके बताना है व्हाट इज द आंसर, ठीक है। हाँ तो जल्दी भाई जल्दी, सभी बच्चों ने करना है, बातें नहीं करनी आपस में, क्वेश्चन ट्राई करना है। जी
हाँ जी सो चलो आंसर आ गया, क्या बात है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं यार आंसर आ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है चलो देखते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप, चलो भाई चढ़ा देते हैं, मान लिया कोई शिप होगी किसी भी तरीके की, है ना, मैन खड़ा हुआ है यहाँ पे, खड़ा हुआ है चलो ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे खड़ा हुआ है एक आदमी, ओके बोला है कि अ टॉप विच इज 8 मीटर अबव वाटर लेवल, ठीक है ऐसे मान लेते हैं पानी का लेवल है, है ना। अब आपको पता है पहाड़ क्या होता है, वो नीचे से ऊपर तक होता है, ठीक है पहाड़ क्या होता है, नीचे से ऊपर तक पहाड़ होता है, ठीक है ऐसे कोई पहाड़ है, ये 8 मीटर अबव है तो ये वाली लेंथ क्या हो गई 8 मीटर, ये वाली लेंथ क्या हो गई 8 मीटर, ओके ग्रेट जी। एक्चुअली शिप का ये वाला पार्ट हमारा इसे हम अंदर ही मान लेते हैं, ठीक है मैन को थोड़ा नीचे खड़ा कर लेते हैं जी, यहाँ पे खड़ा कर लेते हैं, शिप का ये वाला पार्ट हम अंदर ही मान लेते हैं, ठीक है तो अभी इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, शिप बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसने बोला कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है अब यहाँ पे यार ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना, माउंटेन इतनी बड़ी होती है या हमारा समुद्र इतना गहरा होता है कि हम मैन की हाइट को क्या कर देते हैं, आमतौर पर नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है तो हम ऐसे एक पॉइंट मान लेते हैं मैन को, इस हाइट के सामने मैन की हाइट नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हाइट्स होती हैं, ठीक है ऐसे बोल दिया। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसने क्या बोला है, इसका जो टॉप ऑफ द हिल पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री, और बोला कि जो बॉटम ऑफ द हिल पे है ना, ये मान लिया बॉटम है, बॉटम ऑफ द हिल पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बोला 30 डिग्री, ठीक है और साथ में क्या बोला था कि ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है 8 मीटर, ये बोला था इसने, ठीक है मतलब ये 8 मीटर डीप है, है ना यही बोला था ना, 8 मीटर अबव वाटर लेवल है ऐसे बोला था। अच्छा इसने बोला कि हमारा हमें बताना क्या, कैलकुलेट द डिस्टेंस, एक तो ये एक्स बताना है, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, हिल से शिप की डिस्टेंस क्या है फर्स्ट थिंग ये बतानी है हमको, और दूसरी बात कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द एंड द हाइट ऑफ द हिल, ये पूरी हाइट एच है तो ये अगर एट, हम इसे एच बोल देते हैं, इसे स्मॉल एच बोल देते हैं, जो पूरे हिल की हाइट होगी उसे कैपिटल एच बोल दो, वो क्या होगी एच प्लस 8 मीटर, ठीक है एच मीटर प्लस 8 मीटर, तो ये इस हाइट को आपने एच बोल दिया, इस वाली हाइट को आपने एच बोल दिया जी, और ये वाली हाइट आपको 8 मीटर दे रखी है, बस लगाना क्या है ट्रिग्नोमेट्री लगानी है आपने सीधी सीधी, ठीक है बहुत सिंपल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले चलो इसको ट्रिक से करते हैं ना, तो पहले जो आज हमने सीखा उस ट्रिक से इसे करते हैं, जो आज हमने सीखा है यार ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने क्या होगा छोटा, बड़ा क्या होगा हमेशा, ठीक है या आप ये बोलो कि ये बड़ी साइड होगी, ये छोटू है तो ये बड़ू होगी, तो बड़ा क्या होगा छोटू इंटू रूट थ्री, यही पढ़ा हमने, ठीक है अब ये 60 है और ये एच है, इसके सामने ये बड़ा होगा, ठीक है मतलब इसके ये बड़ा होगा ना, तो बड़ा क्या होगा छोटा अपॉन रूट थ्री, ठीक है तो छोटा क्या है, छोटा है हमारा ये बड़ा है तो ये क्या छोटा, छोटा अपॉन रूट थ्री है ना, तो बड़ा यही होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यार 8√3/√3, आई थिंक 8 आंसर आ जाना चाहिए इफ वी डू इट बाई ट्रिक, है ना, बट यार बोर्ड में तो ट्रिक लगानी नहीं है, बोर्ड में क्या नहीं लगानी, ट्रिक नहीं लगानी, तो सभी बच्चे इसे कैसे करेंगे, है ना यार 8 आना चाहिए आई थिंक, ठीक है 24 मीटर्स आ रहे हैं आंसर, हाँ जी स्मॉल एच आपका 24 आ रहा है, एक बार फिर से देख लें, ठीक है 30 के सामने क्या होगा छोटू, ठीक है 30 के सामने छोटू होगा तो बड़ा क्या होगा छोटू इंटू रूट थ्री, ठीक है बिल्कुल सही है ओके 8√3, हाँ यार सही बोल रहे हैं यार, है ना 60 बड़ू, ये होगा बड़ू, बड़ू क्या होगा छोटू इंटू रूट थ्री, यार क्या कर रहा हूं मैं यार छोटू इंटू रूट थ्री, है ना गलती कर रहा हूं देखो मैं, है ना तो 8 × 3 दिस मस्ट बी 24, ठीक है पक्का, है ना यार देख लो यार गलती, इंसान गलती का पिटारा है, देख रहे हो आप, है ना जी, तो बहुत सारी गलतियां हैं जिनको सही करना है ना, हमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हाँ जी हाँ जी, नहीं यार ये इसके सामने बड़ा होगा, बड़ा इज इक्वल टू छोटू इंटू रूट थ्री, ठीक है तो छोटू क्या है एक्स, यही तो पढ़ा था ना आज की क्लास में हमने जी, पक्का
जी, तो मान के चलते हैं आप सभी को समझ में आ रहा है। अब इसे मेथड से भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से कराता हूं और मेथड से भी बताता हूं। मेथड से हमारे पास यहां पर यार सॉल्यूशन है इसका। ओके, चलो ये तो बढ़िया हो गया यार, सॉल्यूशन तो हम लेकर आए हैं आपके लिए विद द, बिल्कुल। अगर टेंथ में पूरे मार्क्स लेने हैं तो इसी तरीके से मेथड से करना होगा, ठीक है। तो हम ये इसी क्वेश्चन का है जी, ये लाइक हमारा 30 डिग्री, ये दूसरे क्वेश्चन के आ रहे हैं यार, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, उसका नहीं है हमारे पास, है ना, मेथड से। तो मेथड से समझ गए ना वैसे सारे के सारे बच्चे जी। ओके, तो पहला क्वेश्चन मान के चलते हैं हर बच्चे को समझ में आया ये जो हमने अभी अभी किया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मान के चलते समझ में आया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यार ये कहाँ चले जा रहा भाई। देखो यार ये ना थोड़ी सी क्लिक की मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, ज़्यादा क्लिक हो जा रहे हैं यहाँ पे, कम क्लिक करना चाह रहे हैं, फिर भी क्या करें यार, है ना, अपनी ज़िंदगी में यही बचा है जी। तो चलो ये अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो ट्राई करना है सभी बच्चों ने। द एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, है ना, ये तो नहीं किया ना हमने। चलो इसको हर बच्चे ने ट्राई करना है, इसको हर बच्चे ने ट्राई करना है, ठीक है। अब तो यार आपको बहुत कुछ आ गया है, ठीक है, चलो इसको ट्राई करना है, इसको ट्राई करते हैं वो 30-45 वाली ट्रिक लगा के जी, इसको ट्राई करते हैं। हाँ जी, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार, समय भी बहुत हो रहा है ना यार, है ना, टाइम बहुत हो जाता है। अच्छा टाइम है, आज हमने लेट शुरू किया था। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन है यार, एक हमारी लाइक हमने ऐसे ही कोई बना लिया, सोचो कि हमारी एक बिल्डिंग है जो कि 8 मीटर टॉल है, एक बिल्डिंग है वो 8 मीटर टॉल है, बहुत बढ़िया। और एक दूसरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, ठीक है, एक दूसरी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया, उसे भी बना लेते हैं। ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, इसकी हमें हाइट नहीं पता, तो इसकी हाइट पता है 8, बोला कि इसके टॉप पे द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। ओके, है ना जी, हाँ जी, हाँ जी, स्लाइड्स में सर क्लिक में थोड़ा सा, हाँ जी, हाँ जी, तो हमारे टेक्निकल टीम के एक्सपर्ट आए हैं जी, वो देख रहे हैं कि ये कैसे स्लाइड काम नहीं कर रहा है। हाँ जी, स्लाइड एक एक करके नहीं बढ़ रहा था सर। ओके, इन्होंने बताया है कि स्लाइड देखते हैं, चलो इनकी आपके आपको दिखा देते हैं इसके सामने कि ये स्लाइड एक एक करके बढ़ रहा है या नहीं कर रहा है, एक बार करके देख लेते हैं। ये मनाया, ठीक है सर, अभी भी ये एक एक करके बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है सर जी। ठीक है सर, वी विल मैनेज विद दिस, थैंक यू सो मच, है ना जी, तो हम मैनेज कर लेंगे यार हम लोग तो। हाँ जी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब देखो ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एक डिप्रेशन दे रखा है हमें, ठीक है, वो कितना दे रखा है 30 डिग्री, ये वाला एंगल कितना दे रखा है हमें 30 डिग्री, और बोला है बॉटम पे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितना दे रखा है 45 डिग्री, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब फिर से यार जल्दी जल्दी करेंगे, इतना टाइम तो है नहीं हमारी ज़िंदगी में जी। फिर क्या बोला हुआ है कि यार एक हमारा 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। एक तो ये हमें एक्स निकालना है, ये अगर सोचो ये अगर हाइट एच है जो सुबह सुबह आज बताया मैंने आपको, तो ये वाली हाइट भी कितनी होगी, एच होगी, ठीक है, कायदे से नहीं करूंगा अभी, कायदे से तो सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ये एच है तो ये भी एच होगा, पक्का
ठीक है, ये वाला ट्रायंगल सेटल हो गया। अच्छा ये एच है तो ये भी एच होगा ना यार हमारा, ये पुली लेंथ है तो पैरेलल और इक्वल है यार ये, है ना, ये भी एच होगी ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ एच है। अब ये वाली जो लेंथ है इसके बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं। अच्छा ये एट दिया हुआ है हमें, है ना, तो ये वाली लेंथ ऑब्वियसली एच माइनस एट होगी, ये यार ये भी एट है ना, ये एट है, ये एट है, तो ये वाली लेंथ हमारी क्या होगी, एच माइनस एट मीटर, पक्का एच माइनस एट मीटर होगी ये वाली लेंथ, सही बात है। तो अब ये वाला जो ट्राइंगल है यार हमारा, है ना, ये वाला ट्राइंगल, इसको आप ऐसे ये वाला मैं बोल रहा हूं, इसे एबीसी नाम दे दिया, ट्राइंगल एबीसी, इसमें 30 डिग्री के सामने क्या होगा, छोटू, और ये क्या है, बड़ू, ठीक है, तो मैं लिख दूं बड़ू मतलब बड़ा, बिग साइड, इक्वल टू छोटू इंटू रूट थ्री, ठीक है। एच निकालना है, देखो आ गया एच यहां से, क्या आ गया, ये आ गया एच इज इक्वल टू एच रूट थ्री माइनस एट रूट थ्री, ठीक है, तो इस एट रूट थ्री को तो इधर ले गए और यहां पे एच ले आए, यहां पे आ गया रूट थ्री माइनस वन, एच कॉमन ले लेंगे तो रूट थ्री माइनस वन कहां जाएगा, डिवाइड में, तो शायद बहुत सारे बच्चों ने आंसर कराया है ना, एट रूट थ्री ओवर रूट थ्री माइनस वन। आप ऐसे भी कर सकते हो कि रूट थ्री प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे क्या आ गया, टू, तो ये क्या हो गया, फोर, ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ गया, फोर रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस वन, वी कैन से फोर रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज ट्वेल्व प्लस फोर रूट थ्री, ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, 12 प्लस फोर रूट थ्री, तो ये भानु जोशी ने सही आंसर दिया था, एंड हाँ बिल्कुल 12 प्लस फोर रूट थ्री, राघव समझ में आया, देखो कुछ नहीं किया हमने, ये एंगल 45 डिग्री है डिप्रेशन वाला, ये वाला एंगल कितना है 45, अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये हाइट अगर एच है, जो परपेंडिकुलर है वही क्या होगा, बेस होगा, तो ये वाली हाइट भी क्या होगी, एच होगी, पक्का, ओके अब ये 8 दे रखा है ना इस वाली बिल्डिंग की हाइट, तो ये भी 8 होगी, ये H है तो ये H माइनस 8 होगा, पक्का इतना सही है, सही है। अब देखो ये H है तो ये भी H होगा यार, है ना, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। नाउ हमने पढ़ा था 30 60 45 वाला ट्रायंगल, अब यार बोला था ना 30 60 45 ध्यान रखो, तो ये 30 के सामने क्या होगा, छोटू, और साथ में क्या होगा, बड़ू ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि ये 60 के सामने बड़ू, तो बड़ू h इज इक्वल टू h माइनस एट इंटू रूट थ्री, बड़ा इज इक्वल टू छोटा इंटू रूट थ्री, काम हो गया यार, ठीक है, पक्का। पीयूष कुछ गलती होगी उसे देख लेना, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल हम बाद में पढ़ेंगे बच्चे, अभी तो है ना हम ये पढ़ रहे हैं जी, तो इसका सॉल्यूशन भी हर बच्चा देख सकता है, ओके जी, इसका सॉल्यूशन भी हर बच्चा देख सकता है, देखो यार यही है शायद, आई थिंक है ना, ये देख लो यार, जी इसका सॉल्यूशन भी हर बच्चा एक बार देख सकता है ना, यही आई थिंक, तो कायदे से करना है यार, कायदे से करना है, कायदे से करना है, आंसर क्या आ रहा है इनका, वही आ रहा है जो हमारा आ रहा है, 12 प्लस फोर रूट थ्री है ना, वही आ रहा है, देखो यार जी, तो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है यार उसमें वही ट्राइंगल बना के किया होगा इन्होंने जी, हाँ जी, तो थोड़ा बहुत मान के चलते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम, सभी बच्चों को वो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। अच्छा सारे डाउट्स क्लियर हो गए, क्या बात है रुपसाना बेगम जी, इतनी जल्दी, अभी तो हमने शुरू किया है, अभी तो बहुत कुछ है इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर की एटलीस्ट 3 क्लासेस होंगी, फर्स्ट क्लास में तो हम यार ये बेसिक बेसिक बातें पढ़ रहे हैं, और सेकंड क्लास में हम थोड़े से फॉर्मूलेज अच्छे वाले पढ़ेंगे, इना थर्ड क्लास हम लोग थोड़ी सी एडवांस बातें कर लेंगे, और इफ़ वी हैव अ फोर्थ क्लास टू देन वी विल डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अगर हमारी एक मैम है यहाँ पे तनीजा मैम ने हमको अलाउ किया कि भाई आप फोर्थ क्लास भी ले लो, तो चलो फिर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यार ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, मान लिया कि एरोप्लेन यार हवा में उड़ रहा है यार, ठीक है, अब यार एरोप्लेन खुद से बना लेना यार, है ना, जैसा भी हो उड़न तस्तरी टाइप, है ना, बना लेना खुद से। बोला है कि एक ग्राउंड में कोई पॉइंट है, उससे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है यार, 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, बहुत बढ़िया ये है। बोला है कि 15 सेकंड बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, है ना,
तो यार हम लोग क्या करते हैं कि 45 तो इधर बना देते हैं, ठीक है, और 15 सेकंड बाद, ठीक है, आफ्टर 15 सेकंड ऐसे लिख लेते हैं, आफ्टर 15 सेकंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 30 डिग्री. जी बोला एरोप्लेन की जो हाइट है ग्राउंड से वो क्या है, वो है 3000 मीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर. जी तो बोला फाइंड द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन, ठीक है जी. अब स्पीड के लिए एक्चुअली क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड. तो हमें डिस्टेंस होनी चाहिए, अगर हमारे पास ये वाली डिस्टेंस हो, ठीक है, ये एक्स हो, तो एक्स अपॉन 15 विल बी स्पीड. सही बात है कि नहीं है, पक्का जी. अब यार ये देखो कि ये 45 है, तो ये अगर 3000 है तो ये भी क्या होगा, 3000 होगा. और यहां पर ये पूरी लेंथ कितनी होगी, ये पूरी लेंथ होगी 3000 प्लस एक्स. अगेन वही लगा लेंगे, ये छोटू है ये बड़ू है, बड़ू 3000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3000 इंटू रूट 3, ठीक है. वहां से क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, x अपॉन 15 इज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन. ठीक है यार, काम खत्म, बस इतना सा, ठीक है, पक्का यार. सारे बच्चे यार बहुत तेज है, बहुत तेज बच्चे हैं हमारे, ठीक है. टीचर ही टीचर बेकार है, उनका इतना अच्छा नहीं है, बट बच्चे बहुत अच्छे, ठीक है. तो इसको यार देख लेते हैं ना, यहाँ पे ये कुछ अंग्रेजी में इन्होंने लिखा हुआ है, डायग्राम देख लेते हैं पहले, ठीक है. ये डायग्राम बनाया हुआ है जी. अच्छा, ये मैंने गलत बना दिया था यार डायग्राम, है ना, वो उड़ के आगे आएगा, मैंने गलत बना दिया था, सॉरी डायग्राम, वो एरोप्लेन उड़ के आगे आएगा, है ना, एरोप्लेन उड़ के आगे आएगा यार, हम खुद ही उड़ के आगे चले गए थे. यहाँ पे एरोप्लेन उड़ के आगे आएगा 15 सेकंड बाद, ये एक्स है, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है जी. हाँ जी, हाँ जी. तो ये डायग्राम बनाया, इस डायग्राम के बेसिस पे सबसे जो पहली चीज़ हमने करी जी, एक तो हमारी ज़िंदगी में ना लोचे बहुत हैं ये वाले, है ना, सबसे पहले हमने ये लिखा, ठीक है, सबसे पहले ये लिखा. तो इस वाली चीज़ को यार सभी के सभी बच्चों ने इसकी फ़ोटो खींच लेनी है, ठीक है, मैं साइड हट जाता हूँ, इसका स्नैपशॉट ले लेना जी, फिर आपका आंसर आ जाएगा जी. और ये 527.04 इज़ द आंसर, पिंकी इज सो क्लोज जी, पक्का जी. आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे अभी के लिए होमवर्क ले लिया, बिकॉज इस तरह की ना कुछ वैरायटी हैं, ये कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको एक साथ कराने वाला हूँ, ये मैं आपको एक साथ कराने वाला हूँ इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है. वैसे तो यार इसका आंसर यहाँ पे प्रूफ ही कर रखा है ये जी, इस इन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को मैं आपको एक साथ कराने वाला हूँ जी, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्लाइंग अ काइट विद, ये कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं. हाँ यार, सचिन बिल्कुल सही बोल रहा है, टीचर अच्छे होंगे तभी तो स्टूडेंट्स अच्छे होंगे. हाँ यार, वैसे इसका उल्टा भी है, अगर बच्चे अच्छे होंगे तो वो है ना रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, बच्चे अच्छे होंगे तो वो टीचर को भी अच्छा कर देंगे. जैसे आप लोग इतने अच्छे हो तो आपके संगति में मैं भी थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ जी, है ना. ओके, सो अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्लाइंग अ काइट विथ 100. अब सोचोगे मैं नीचे क्या देख रहा हूँ, नीचे यार आपकी चैट्स देख रहा होता हूँ, ठीक है. हाँ, वैसे भी सामने भी दिखाई दे रहा है. फ्लाइंग अ काइट विथ 100 मीटर स्ट्रिंग, चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा, देन क्वेश्चन का संधि विच्छेद किया, देन फिर डायग्राम बनाया, फिर वेरिएबल्स को नाम दिए, फिर फॉर्मूले लगाए, यही तो है, यही तो करना है ना हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, पहले एक बार पढ़ लो, फिर क्वेश्चन का संधि विच्छेद करो. या बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एक बॉय है हमारा भाई, यहाँ पे ग्राउंड में है, वो एक पतंग उड़ा रहा है, उड़ा ली भाई उसने पतंग, उस पतंग की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 100 मीटर है, बहुत बढ़िया. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है उसका, 30 डिग्री है, चलो. फिर अनदर बॉय, एक दूसरा लड़का है, वो 10 मीटर की छत पे है, कितनी है ना, 10 मीटर की छत पे है, और वो यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, और उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन उसका क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन वो उसकी अपनी अलग पतंग होगी यार, है ना, 45 डिग्री है. तो उसने बोला बोथ द बॉयज आर ऑन अपोजिट साइड्स, है ना, पेच लड़ा रहे हैं वो एक दूसरे से जी.
संधि विच्छेद यार कहते हैं, मतलब अलग अलग करना कहते हैं ना, इसे अलग अलग करना, आपने हिंदी पढ़ी होगी थोड़ी सी जी। बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट द सेकंड बॉय, दोनों की मिल जाए ना, दोनों के पेचे लड़ जाए, यही होता है ना, पतंग उड़ाते हो आप लोग, दोनों के पेचे लड़ जाए, मतलब इसकी पतंग और इसकी पतंग मिल जाए, तब इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ को कुछ मान लेते हैं L, ये निकालना है हमें। ओके ग्रेट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, चलो करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार हमें ऐसे ना एक लाइन खींचनी पड़ेगी हमें, ठीक है, ठीक है जी। अब सोचो ये L है, ये 45 है, तो ये भी क्या होगा, L होगा पक्का। नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये परपेंडिकुलर होता तो ये होता, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, है ना, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये समझ में आया। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इस वाली लेंथ को नाम दे देते हैं H, ठीक है, इस वाली लेंथ को, और हम इस वाले ट्राइंगल पे चलो लगाते हैं, 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने होगा छोट, ठीक है, अब छोटू बड़ू रहने दो, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने क्या बताया था आपको, हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगा, छोटू इंटू टू, तो आप यहां पे ऐसे बोल सकते हो कि 100 क्या होगा, एच प्लस 10, है ना, छोटू इंटू टू, ठीक है। अगर आपको इसे डायरेक्टली नहीं बोलना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहां पे साइन 30 डिग्री, साइन थीटा लगेगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो ये हाफ है, तो यहां से एच प्लस 10 एक्चुअली क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 2, है ना, एक तरीके से वही आ गई, 100 हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू छोटू इंटू टू, वही आ गया। तो यहां से एच क्या आ गया, ये क्या आ गया, 50, एच आ गया 50 माइनस 10 40, एच आ गया आपका 40, ठीक है, तो हमें ये लेंथ पता लग गई कि ये 40 है, ये 40 है, ये 45 है, ठीक है, ये लेंथ पता लग गई कि ये 40 है, एल भी पता लग जाएगा यहां से, कैसे पता लगेगा, अगेन हमें किसमें रिलेशन चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, बचपन से पढ़ लें, तो यहां से एल क्या आ जाएगा, एच अपॉन साइन 45, मतलब h अपॉन 1 बाय रूट 2, यू कैन से h रूट 2, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, h इज 40, 40 रूट 2 इज द आंसर, 40 रूट 2 इज द आंसर, है ना, पक्का जी, कुछ कुछ समझ में आ रहा है जी। यार अभय राघव क्या हो गया भाई, ऐसी क्या बात हो गई, देखो यार थोड़ा सा जल्दी हो रहा है ना, अब ये जल्दी क्यों हो रहा है, हाँ जी ये जल्दी शायद इसलिए हो रहा है कि हम छोटू बड़ू का बहुत यूज़ कर रहे हैं, अभी तो कुछ यूज़ नहीं किया ना आपको, देखो जब आप बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आए, ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में जब भी आपको ये क्वेश्चन आए तो आपने ना नामकरण करने देने, ए बी सी डी ई एफ ऐसे नाम बोल देने आपने हर जगह, ठीक है, कोई बात नहीं, बैटल फील्ड वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, है ना, सबको नाम दे देने आपने जी। तो यहां पर जैसे ये आपका ट्राइंगल है तो ऐसे बोलोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, मैंने तो डायरेक्टली यहां पे बोल दिया आपको कि साइन 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, डायरेक्टली बोल दिया, तो एच की वैल्यू आ गई वहां से हमारी। सिमिलरली यहां पर ये एच इस वाले ट्राइंगल पे आपने कोई नाम दे दोगे कुछ भी, है ना, यहां पे अगर बी दे रखा है तो बी ई एफ ऐसे कुछ भी नाम दे दोगे आप, इस ट्राइंगल में आप बोल दोगे कि अच्छा साइन 45 डिग्री, है ना, एक एक करके ट्राइंगल के नाम देके आप बोर्ड में ये क्वेश्चंस करोगे ना। मैं तो अभी आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं जी, चलो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी आपको बता देते हैं, ठीक है, हाँ ये सब मेथड आप एनटीएससी या और भी किसी एग्जाम में बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है, देखो प्रॉपर मेथड में ये यहाँ पे अंग्रेजी लिखी हुई है, इसे भी आप देख सकते हो जी। अरे वाह डायग्राम तो यार सही है हमारा यार, ठीक है, डायग्राम तो सही है, कोई बात नहीं सचिन, हम लोग मिलेंगे, जिनकी भी बैटरी लो है कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत अब हम भी ऑफ ही करने वाले, ठीक है, तो कुछ बच्चों को यार हमने ऐसे बोला, ठीक है, समझ में आया, होमवर्क क्वेश्चन चलो नोट करने हैं सब बच्चों ने, होमवर्क क्वेश्चंस हैं कई सारे बच्चों के लिए, एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था आई थिंक वो भी इसी की तरह है, होमवर्क क्वेश्चन, अच्छा ये प्लीज़ ये डायग्राम इसका नहीं है, ये डायग्राम मत बनाइएगा यहाँ पे, होमवर्क क्वेश्चन है कई सारे बच्चों के लिए, होमवर्क क्वेश्चन 2, ठीक है, विद आंसर है, होमवर्क क्वेश्चन 2 विद आंसर है, होमवर्क क्वेश्चन 3, ठीक है, 10 क्वेश्चन है होमवर्क के, मैं इसे हाथ में ही पकड़ लेता हूँ, ये हमारा एप्पल का कीबोर्ड है, ठीक है, इससे चेंज होता है, आपको भी बता दें कि इससे भाई चेंज होता है, आपके सामने इसे चेंज हो रहा है जी। होमवर्क क्वेश्चन 3, होमवर्क क्वेश्चन 4 आपके सामने, होमवर्क क्वेश्चन 4,
होमवर्क क्वेश्चन 4 का आंसर, होमवर्क क्वेश्चन 5, ठीक है घर पे करना है, होमवर्क क्वेश्चन 5, होमवर्क क्वेश्चन 6 घर पे करने हैं यार, कुछ क्वेश्चंस है ना यार, तभी तो सीखोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं कई सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, उससे और क्लियर हो जाएगा, और कुछ और ट्रिक्स हैं यार, बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक्स हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उनके साथ आपके साथ आएंगे जी। होमवर्क क्वेश्चन 7, होमवर्क क्वेश्चन 8, हाँ आज एनसीईआरटी लेवल का है, आज आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हैं अपनी, ठीक है जी। होमवर्क क्वेश्चन 8 थोड़ा सा हम लोग और करेंगे अभी, है ना, एक और क्लास। होमवर्क क्वेश्चन 9 जिससे आप एनसीईआरटी और क्वेश्चंस और अच्छे से कर सकें, एग्जाम्पलर या आप आर डी शर्मा अटेम्प्ट कर सकें या आर एस अग्रवाल या जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन 10, ठीक है अच्छा। नेक्स्ट क्लास में ना हम कुछ फॉर्मूले भी प्रूव करने, आज मैं आपको एक स्पेशल होमवर्क दे रहा हूँ ये, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना कुछ इस तरीके के फॉर्मूले भी प्रूव कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे ये है जी फॉर्मूला 1, कुछ फॉर्मूले हैं ये नेक्स्ट क्लास में हम प्रूव कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये यार देख लेना, ठीक है इसको देख लेना, पॉज आप लोगों ने करना है, ठीक है पॉज आप लोगों ने करना है, इसको पॉज करके इनकी फोटो खींच लेना, मैं साइड हट जाता हूँ, मेरी फोटो ना आ जाए यार, है ना, फालतू में आपकी स्क्रीन पे, ठीक है स्क्रीनशॉट लेना। फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, ये प्रूफ करने हैं घर पे, ये प्रूफ करने हैं अपने घर पे। फॉर्मूला 3, ठीक है आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कैसे हैं यार, ये ना लाइक रटना नहीं है बिल्कुल भी, प्रूफ करना है इनको, है ना, मैं आपके लिए प्रूफ कर रहा हूँगा इन द नेक्स्ट क्लास फ्यू ऑफ देम्स, ठीक है कुछ और नई कुछ बातें ट्रिक्स बता रहा हूँगा आपको, ठीक है। फॉर्मूला 3, फॉर्मूला 4, मैं बेसिकली उत्तरांचल से हूँ, अभी गाजियाबाद में रहता हूँ, ये आपकी क्लास नोएडा से हो रही है, ठीक है। फॉर्मूला 5, घर पे प्रूफ करने हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन्हें कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा खुद ही। फॉर्मूला 6, फॉर्मूला 7, कुछ अच्छे फॉर्मूलेज भी हैं, उनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा जी। फॉर्मूला 8, ठीक है प्रूफ करने के लिए दे रहे हैं, याद करने के लिए नहीं दे रहे आपको घर से। ओके चलो, अब वो शुरुआत में जो पजल पूछी थी वो तो सिंपल ही थी, वैसे शुरुआत में पजल पूछी थी कि भाई दो अगर कैंडल्स हैं और एक घंटे में एक पूरी कैंडल जलती है और हमें 45 मिनट्स मेज़र करने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू कैंडल्स या जो भी वो वायर थी, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे बोल दीजिए कि अच्छा राजनगर एक्सटेंशन में रहते हैं आप, ओके मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ, ओके तो दोनों कैंडल्स को, अब सोचो एक कैंडल पूरी एक घंटे में चलती है, अब एक कैंडल की दोनों तरफ से, दोनों तरफ होती है ना एक कैंडल की जो हमारी रस्सी निकली हुई होती है, एक कैंडल को दोनों तरफ से जला दो, तो एक कैंडल अगर पूरी एक घंटे में जलती है तो दोनों तरफ से आग लगा दोगे तो पूरी कैंडल कितने घंटे में जलेगी, आधे घंटे में, 30 मिनट्स में, ठीक है पूरी कैंडल 30 मिनट्स में जलेगी। तो अगर हम दोनों कैंडल्स को दोनों तरफ से आग लगा दें और जब पहली वाली पूरी है ना, तो अगर हम तो आधा घंटा ही मिलेगा तो इससे तो कुछ फायदा नहीं है, हम एक कैंडल को दोनों तरफ से आग लगा दें, एक कैंडल को सिर्फ एक तरफ से लाइट करें, आग लगाएं, ठीक है, तो एक कैंडल आधे घंटे में पूरी जल जाएगी, जैसे ही वो कैंडल पूरी जल जाएगी वैसे ही हम दूसरी कैंडल जिसे हमने सिर्फ एक तरफ से आग लगाई है उसकी दूसरी तरफ भी आग लगा दें, ठीक है। तो वैसे तो उसने एक घंटे में खत्म होना था बट अब वो दुगनी तेजी से खत्म होगी, ठीक है, तो 30 मिनट्स तो पहले हो चुके हैं हमारे पास, ठीक है, एक कैंडल को हमने दोनों तरफ से बर्न कर दिया, ठीक है, या वायर को हमने दोनों तरफ से बर्न कर दिया, तो ये 30 मिनट्स में बर्न हो जाएगी, ठीक है। जो दूसरी कैंडल है उसको हमने बर्न किया एक तरफ से सिर्फ, तो ये एक तरफ से बर्न होने पे 30 मिनट्स में आधी बर्न होगी, ठीक है। जैसे ही ये आधी बर्न हुई और ये पूरी बर्न हुई, फिर हमने इस आधी बर्न हुई कैंडल को भी दोनों तरफ से लाइट कर दिया, अब ये कितनी देर में बर्न हो जाएगी, 15 मिनट्स में, बिकॉज ये डबल स्पीड से होगी, ठीक है, अदरवाइज ये कितनी स्पीड से होती,
है ना, अदरवाइज ये हमारी एक घंटे में पूरी बर्न होती है, अगर सिर्फ एक ही तरफ आग, आधे घंटे में बर्न होती है वाली कैंडल अगर एक ही तरफ आग लगाई होती। अब दोनों तरफ लगा दी तो ये आधी कैंडल 15 मिनट्स में बर्न हो जाएगी। 30 + 15 45 मिनट्स हम ऐसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शुरुआत में जो आपसे पजल पूछी थी, बहुत सारे बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया था, बच्चे बहुत तेज हैं यहाँ के। सो रोज आपसे इसी तरीके की कोई पजल पूछते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे ये आज का जो हमारा चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आपको बताया कि यार एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत सारी हैं, ठीक है। उसमें से एक पार्ट हमारे 10th में हाइट एंड डिस्टेंस, एक छोटा सा पार्ट हमारा है हाइट एंड डिस्टेंस। उस हाइट एंड डिस्टेंस में भी हमें बहुत ही बेसिक सी बातें पढ़नी है। अगर किसी बच्चे को है कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने हैं तो वो एसएलओनी में के क्वेश्चंस कर सकता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें। मैंने लास्ट टाइम आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चंस करवाए भी थे उसके। और थोड़ी सी इसकी घर में प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस से ये अच्छा होता है, प्रैक्टिस से हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट अच्छा होता है। कोई भी मैथ्स तो प्रैक्टिस का नाम है यार, थोड़े से फंडे पढ़ लिए उसके बाद क्वेश्चंस पहेलियों की तरह सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो मज़ा आता है ना यार, ठीक है। सो आज की क्लास में मैंने बहुत ही बेसिक सी और छोटी सी बातें आपको बताई हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टू सम हायर कॉन्सेप्ट्स, है ना, सम हायर थिंग्स, कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू सो